Hey guys, welcome back. Friends, in today's class, I am going to start the very important topic of class 12th business studies. और आज मैं business studies का एक बहुत ही important concept बताऊंगा, जिसका नाम है scalar chain. Alright, class 12th के business studies में ये topic chapter 2 में आता है, जिसका नाम है principles of management. और इस topic में बच्चे बहुत बार confused होते हैं. आइए शुरू करते हैं. गाइज, जैसा कि मैंने बताया, क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है और टॉपिक का नाम है स्केलर चेन. ठीक है, अब ये स्केलर चेन होता क्या है? स्केलर चेन का मतलब होता है एक चेन होती है जो रिलेशनशिप बताती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट. ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखना, ये जो ए है ये सुपीरियर है, ये बॉस है. ठीक है, और ये सारे सबॉर्डिनेट्स है, मतलब ये सारे इंप्लॉयज है. ए जो है वो बॉस है और ये सारे इसके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, एम्प्लॉय डी, एम्प्लॉय ई. ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉय एफ, एम्प्लॉय जी, एम्प्लॉय एच, एम्प्लॉय आई. तो ये सारे एम्प्लॉयज हैं और ए इनका बॉस है. ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको गाइस, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये मैं ऐसे समझाऊंगा एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, तो अब ये देखो, अगर सपोज करो ए ने एफ से बात करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से अथॉरिटी चलेगी, ए एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा. ठीक है, क्योंकि ए बॉस है. अगर ए को कोई भी अपना डिसीजन इंप्लीमेंट कराना है, कोई भी ऑर्डर देना है, तो इस तरीके से चलेगा. ठीक है, हमेशा जो अथॉरिटी फ्लो करती है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है, मतलब सुपीरियर ऑर्डर देता है और जो सबॉर्डिनेट होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो उस ऑर्डर को मानता है. ऑलराइट, अब लेट्स से ये जो आई बंदा है सबसे नीचे लेवल का, ठीक है, ये थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. अगर इस आई को ए से बात करनी है, ठीक है, एक्सट्रीम बॉस से बात करनी है, तो आई पहले एच को बताएगा, एच पहले जी को बताएगा, जी एफ को बताएगा, एफ ए को बताएगा. तो ए तक पहुंचने के लिए आई को सारे चैनल्स को क्रॉस करना पड़ेगा. लेकिन अगर ए को बात करनी है तो ए ये सेम फॉलो पैटर्न कर सकता है, इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है, या फिर ए सीधा भी इसको बता सकता है. पहला पॉइंट. दूसरा, इसी तरीके से अगर सपोज करो ई ने, जो कि एक सबॉर्डिनेट है, ई ने बात करनी है ए से, तो ई पहले डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, बी को बताएगा, फिर ए को बताएगा. इस तरीके से ऐसे कम्युनिकेशन फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जो सुपीरियर होता है, जैसे कि यहां पे ए है, ये जो सुपीरियर है ये ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को और ये सबॉर्डिनेट सारे ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे. ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इस तरीके से एक हमारा फिगर है. यहां पे आप देखोगे, लेट से हम बात करते हैं डी और एच की. ठीक है, हमने बात करी डी और एच की, तो ये डी और एच, अब ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब जो ये साइड है, हम बात करते हैं, मैज्यूम करते हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैंने यहां पे लिखा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मेरा. ठीक है, एक कंपनी में ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये जो है लेट से ये एचआर डिपार्टमेंट है. ठीक है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. ये वाली जो साइड है ये सारे एचआर डिपार्टमेंट के इंप्लॉय, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंप्लॉयज है, और ये वाली जो साइड है ये एचआर डिपार्टमेंट के इंप्लॉयज है. ठीक है, अब लेट्स से ये जो एच है और ये डी है, ये दोनों सेम लेवल पे है. ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे है, मतलब ये भी मैनेजर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है और ये एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, क्योंकि इनकी हायरार्की बिल्कुल सेम है. ठीक है, अब ये दोनों बंदे आपस में बात कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंग, जी ए एन जी पी एल ए एन के, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंग. लेट से प्रोडक्शन मैनेजर ने जो कि एच है और यहां पे एचआर मैनेजर ने जो कि डी है, इन दोनों ने आपस में बात करनी है, तो ये दोनों अपने सुपीरियर को बताएंगे, मतलब एच पहले जी से अप्रूवल लेगा और ये डी पहले सी से अप्रूवल लेगा. इसके बाद ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले अपने सुपीरियर की परमिशन लेने के बाद. इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में बात कर सकते हैं, ये दोनों भी आपस में बात कर सकते हैं, ये दोनों भी आपस में बात कर सकते हैं. तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है गाइस, स्केलर चेन का मतलब है जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो अथॉरिटी है, जो कम्युनिकेशन है, वो फ्लो कैसे करता है, वो फ्लो करता है टॉप से बॉटम. ये टॉप है, ये बॉटम है, यहां से सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी. या फिर अगर जो बेचारा सबॉर्डिनेट है उसे कोई चीज अप्रूव करानी है, कोई चीज की बात करनी है, तो वो वन बाय वन सबसे अप्रूव होके जाके फिर टॉप मोस्ट ए के पास आएगी. ठीक है गाइस, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं आज रात को लाइव क्लास में लेके आ रहा हूं, जहां पे मैं इसके नोट्स दूंगा, प्लस हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ऑलराइट, सो आई विल सी यू देयर इन माय लाइव क्लास. बाय बाय, टेक केयर.